इस वीडियो में सिंपल गेम प्ले वीडियो को एडिट करके उसे अपन अल्ट्रा इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। एंड उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात कि हम ये मोबाइल में करने वाले हैं। बीस्ट बॉय सूप, मिथपैड, मॉर्टल, टोटल गेमिंग, टेक्नो गेमर्स जैसे कई पॉपुलर क्रिएटर्स की वीडियोस मैं सालों से देखता आ रहा हूं। एंड उनके एडिटिंग टेक्निक को भी प्रॉपर ऑब्जर्व करता रहता हूं। एंड साथ ही मैंने अपने कुछ सब्सक्राइबर्स के भी वीडियोस रिव्यू किए, जो कि टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ही सिंपल सा लगा। एंड जैसा कि तुम्हें पता ही होगा, सिंपल एडिट्स बोरिंग लगने लग जाते हैं। सो आई मायसेल्फ एज ए गेमिंग वीडियो कंज्यूमर, मुझे पता है कि किस टाइप की एडिटिंग ऑडियंस को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है एंड कैसे तुम एडिटिंग की हेल्प से उनको अपनी वीडियोस में ज्यादा देर तक होल्ड या फिर हुक करके रख सकते हो। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स टेक्निक होती है जिसको तुम बस रिपीटेडली एज इट इज अपनी वीडियोस में यूज करते रहो। दीज टेक्निक्स डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सिचुएशंस, सो यू कैन मैनिपुलेट देम अकॉर्डिंगली। एंड तुम अपना एक अलग इफेक्ट भी बना सकते हो बाय यूजिंग की फ्रेम्स। आगे बताता हूँ कैसे, बट उससे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ गेमिंग वीडियो क्रिएटर्स की। कमेंट करके बताना कि तुम कौन से टाइप के हो। फर्स्ट, जो सिर्फ गेम प्ले रिकॉर्ड करके एडिट करते हैं। सेकंड, जो गेम प्ले के साथ लाइव वॉइस ओवर भी करते हैं। थर्ड, जो गेम प्ले वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अलग से कमेंट्री टाइप वॉइस ऐड करके वीडियोस को एडिट करते हैं। एंड लास्ट वन इज, जो फेस कैम के साथ गेम प्ले वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। कमेंट करके बताना, आई रियली वांट टू नो। नाउ आई नो ज्यादातर न्यू गेमर्स फर्स्ट थ्री टाइप्स के ही होंगे, बट टेंशन नॉट, इस वीडियो में मैं इन चारों टाइप्स के कॉन्टेंट क्रिएटर्स की एडिटिंग बताने वाला हूँ। सो फुल एडवांस लेवल की ट्यूटोरियल वीडियो होने वाली है। मेक श्योर कि तुम कोई भी पॉइंट मिस ना करने पाओ। एंड मैं सारी चीजें कैपकट में एडिट करके बताने वाला हूँ। एंड जरूरी नहीं है कि ऐसी एडिटिंग सिर्फ कैपकट में ही हो सकती है, तुम कोई भी एडिटिंग ऐप यूज कर सकते हो, सिर्फ उसमें कैपकट जैसे टूल्स एंड फीचर्स होने चाहिए। ओके, सो आराम से पालथी मार के बैठ जाओ। पहले मैं सिखाने वाला हूँ कि कैसे तुम बिना वॉइस ओवर के गेम प्ले वीडियो एडिट करके उसे इंटरेस्टिंग एज फक फुकरा इंसान बना सकते हो। स्किप मत करना, अगर डायरेक्ट एडवांस लेवल पे चले जाओगे स्किप करके तो तुम्हें ही दिक्कत होगी, क्योंकि सारे एडिट्स लाइक विथ वॉइस, विदाउट वॉइस एंड विथ फेस कैम सब आपस में कनेक्टेड हैं। सो ध्यान से देखना एंड फाइनल रिजल्ट तो बिल्कुल भी मत मिस करना। ओके, सो अभी अपन आ चुके हैं कैपकट में एंड यहाँ पर सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे एंड मेरे पास एक फ्री फायर का क्लिप है, उसको इम्पोर्ट कर लेंगे। और ये सिर्फ फ्री फायर के लिए ही नहीं, ये ट्यूटोरियल सभी गेम्स के लिए है, बस तुम्हें एग्जीक्यूशन सही से आनी चाहिए, जो कि बताऊंगा। कोई भी गेमिंग क्लिप इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले हम फालतू पार्ट्स को कट करके निकालते हैं, सबको पता होगा। सो फालतू पार्ट्स रिमूव करने के बाद हम अपनी क्लिप्स एक बार पूरा प्ले करके चेक कर लेंगे। सो हम भी एक बार ये 30 सेकंड्स की बिना एडिट की हुई क्लिप देख लेते हैं, जिससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि एडिट करने के बाद ये क्लिप कितनी इंटरेस्टिंग बनी। एंड साथ ही हम सारी चीजें ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे कि कहां पर या फिर कौन से क्लिप पे हम एडिट कर सकते हैं जिससे हमारे वीडियो ऑडियंस को और ज्यादा अपीलिंग लगे। खैर, तुम मेरी एक गेम प्ले वीडियो देख ही सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा रिकॉर्डेड क्लिप है। नाउ क्लिप को मैंने एक बार अच्छे से देख लिया एंड अब एडिट करना स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग का ये थोड़ा सा सेगमेंट है जिसको हम कट करके निकाल भी सकते हैं, बट मैं नहीं निकालूंगा। इतने क्लिप को मैं फास्ट फॉरवर्ड करके एंड थोड़ी सी क्रिएटिविटी ऐड करके इसको हम और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। सो हम पहले अच्छे से क्लिप सिलेक्ट करके कट कर लेते हैं एंड फिर क्लिप पे क्लिक करके नीचे स्पीड वाले ऑप्शन पे जाके स्पीड इंक्रीज कर लेंगे। मजा नहीं आया, थोड़ा और फास्ट, थोड़ा और, हाँ अब सही है। नाउ अब हम इसमें साउंड इफेक्ट ऐड करके चार चांद लगा देंगे। नीचे ऑडियो पे जाएंगे, देन साउंड, फाइल पे जाके फ्रॉम डिवाइस एंड इधर अपना साउंड इफेक्ट सर्च करके ऐड कर लेंगे। नाउ इसमें एक साथ कई सारे साउंड इफेक्ट्स हैं, तो हमको जो चाहिए होगा उसको रखेंगे एंड बाकी पार्ट कट करके हटा देंगे। साउंड का वॉल्यूम थोड़ा कम कर देंगे, इसको हम 69 रखते हैं। कमेंट करके ये मत पूछना कि 70 क्यों नहीं या फिर 68 क्यों नहीं, एडिटिंग पे ध्यान दो। नाउ साउंड को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि आगे भी ऐड करना है थोड़ा। ओके, सो साउंड इफेक्ट ऐड हो चुका, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जो आगे बंदा स्नीक करके फायर कर रहा, इस क्लिप को हम एडिट कर सकते हैं, पर उससे पहले थोड़ी देर ये वीडियो तुम पॉज करके खुद सोचो कि यहाँ पर ऐसा हम क्या एडिटिंग कर सकते हैं जिससे मजा ही आ जाए, मतलब चुम्मे सॉरी वीडियो बन जाए, मैंने तो सोच रखा है। तो बढ़ते हैं आगे, इधर हम एक अच्छा सा फ्रेम सेट करेंगे पहले, जहां हमें बंदा क्लियरली नजर आ रहा। एंड देन नीचे स्क्रॉल करके फ्रीज वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड फ्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे पास इस फ्रेम का एक इमेज आ जाएगा, जैसे हम मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, सेम वैसा ही। सो अब इस इमेज पे क्लिक करेंगे एंड स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके एक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड देन 3 से 4 फ्रेम्स आगे बढ़ के बंदे के ऊपर जूम कर लेंगे एंड की फ्रेम खुद ही ऐड हो जाएगा, तुम्हें बार बार की फ्रेम पे टैप करने की जरूरत नहीं है। प्ले करके देखते हैं, अगर तुम्हें लगे कि स्लो जूम हो रहा है तो लास्ट की फ्रेम को रिमूव करके और पास में ऐड कर लेंगे। नाउ इधर भी अपन साउंड इफेक्ट ऐड करेंगे, सिंपली साउंड्स पे जाके फाइल से इंपोर्ट कर लेंगे एंड देन अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। एक बार प्रीव्यू करते हैं।
नाइस। एंड देन जो इमेज का फालतू पार्ट होगा उसको कट कर लेंगे। नाउ जो इधर जंप करके बंदे को मार रहा इधर भी अपन एडिट करेंगे एंड ये क्लिप मस्त होने वाला है। सो पहले तो एक मीम ऐड करेंगे, मीम्स गेमिंग वीडियोस को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है अगर सही जगह सही मीम को सही से एडिट करके लगाया जाए तो। तो पहले हम गेम प्ले देख कर डिसाइड कर लेंगे कि मीम कहाँ फिट आएगा। देन मीम क्लिप ऐड करने के लिए सिंपली ओवरले के ऑप्शन पे जाएंगे, देन एड ओवरले एंड फिर इम्पोर्ट कर लेंगे। पहले तो इसके फालतू के बॉर्डर एरियाज को क्रॉप कर लेंगे। इसके लिए अपन जाएंगे एडिट पे एंड देन क्रॉप एंड फिर क्रॉप कर लेंगे। देन रिसाइज करके अपना साइज सेट करेंगे। अभी तुम देख ही सकते हो कि सिंपली मीम ऐड करके कुछ खास मजा आ नहीं रहा, तो इसमें हम की फ्रेम्स ऐड करके मीम को थोड़ा क्रिएटिव बनाएंगे। क्लिप को स्लाइड करके आउट ऑफ फ्रेम रखेंगे एंड देन ऐड ए की फ्रेम एट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन क्लिप के एंड में जाके स्लाइड करके दूसरी साइड में आउट ऑफ फ्रेम रख देंगे एंड की फ्रेम खुद ही ऐड हो जाएगा। नाउ प्ले करके देखते हैं। एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेट फॉर द फाइनल लुक, फाइनल एडिट होके जो वीडियो निकलेगी उसको देखना। नाउ इधर हम एक साउंड इफेक्ट और ऐड कर लेंगे जब अपना कैरेक्टर जंप करता है। मेरे पास एक जंप वाला साउंड इफेक्ट है, सो जस्ट इम्पोर्ट इट एंड प्लेस कर देंगे जंप वाले टाइमलाइन पे। अब और आगे बढ़ते हैं। इधर जितना फालतू रन टाइम है इसको फास्ट कर देंगे एंड जंप वाले एरिया पे अगेन साउंड इफेक्ट ऐड करेंगे एंड जो बंदा खिड़की से दिख रहा इसको हम फ्रीज करके इस पे अगेन जूम करेंगे बाय यूजिंग की फ्रेम्स जैसे हमने पहले किया एंड देन साउंड इफेक्ट ऐड करेंगे। सेम साउंड इफेक्ट नहीं, दूसरा करेंगे। सो या दैट्स इट, ये रही फाइनल क्लिप। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ इतनी ही चीजें कर सकते हो, यू हैव अनलिमिटेड ऑप्शन, जस्ट तुम्हें थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। एंड गेम्स में जब कभी कुछ बुरा या सैड होता है तो उस क्लिप को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपन ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर का यूज करके उसमें एक फनी सा साउंड इफेक्ट ऐड करेंगे। सिंपली सेटिंग में जाके सैचुरेशन या फिर प्रेफरेंस लो कर देंगे एंड दैट्स इट, हमारा ब्लैक एंड व्हाइट क्लिप रेडी है। ओके, सो इस फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट गेमिंग एडिटिंग पार्ट में हमने यूज किया साउंड इफेक्ट्स, फ्रेम फ्रीजिंग, जूम इन एंड जूम आउट इफेक्ट, की फ्रेम, स्लो एंड फास्ट फॉरवर्ड एंड टेक्स्ट ऑप्शनल है, जरूरत पड़ने पे यूज कर सकते हो। नाउ हीडिंग टुवर्ड्स पार्ट टू विच इज हाउ टू एडिट गेमिंग वीडियोस विद फेस कैम। ये मेरा फेवरेट एडिट होने वाला है, इसमें मैं खुद माइनक्राफ्ट खेल के एडिट करने वाला हूँ। पहले ही बता दूं कि इसमें अपन एकदम नूब है, मैंने फर्स्ट टाइम खेला है तो जज मत करना गेमर्स, कहीं कमेंट में नूब नूब करने लग जाओ। ब्रो तो क्या तेरे को सब प्रो बोलेंगे क्या नूबड़ी? खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। नाउ सिंपली एड पे जाके पहले अपना गेम प्ले वीडियो इम्पोर्ट कर लेते हैं। अगर तुमने एक ही फोटेज में गेम प्ले एंड फेस कैम वीडियो दोनों रिकॉर्ड कर रखा है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अलग अलग कर रखा है। सो पहले गेम प्ले इम्पोर्ट कर लेते हैं एंड देन फेस कैम या वेब कैम फुटेज इम्पोर्ट कर लेंगे। नाउ अपने पास दोनों लेयर्स आ चुकी हैं तो कैमरे वाले फुटेज को रिसाइज करके कॉर्नर पे फिक्स कर देते हैं, जिस भी कॉर्नर में सही लग रहा हो, मुझे इस साइड सही लग रहा है तो इधर रख देते हैं। एडिट करने से पहले एक बार रॉ अनएडिटेड क्लिप देख लेते हैं, सिर्फ 30 सेकंड की है, जिससे तुमको एक आइडिया हो जाएगा कि एडिट होने के बाद क्लिप कितना इंटरेस्टिंग बन पाया। एंड फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो 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 गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इसमें हम कुछ तो करेंगे, खेलेंगे, देख रहे हो ना मेरा प्यारा सा शकल। ये अंदर भी झांक सकते हैं क्या? ओह कुछ नहीं पहना, रात हुई पड़ी है, सबसे पहले हमें बेड ढूंढना होगा। ढूंढना क्या होगा, मुझे लकड़ी चाहिए, लकड़ी चाहिए, लकड़ी चाहिए और उल चाहिए। लाला रात में ही रिस्पॉन्ड कर देते। भाई साहब चॉम्बी चॉम्बी। ये लास्ट में वाटरमार्क डिलीट कर देते हैं। ओके, सो सबसे पहले अपन ऐड करेंगे कोई बढ़िया सा बैकग्राउंड म्यूजिक। नीचे ऑडियो पे जाके साउंड्स एंड देन फाइल, फ्रॉम डिवाइस पे जाके इंपोर्ट कर लेंगे ऑडियो। आगे का फालतू पार्ट डिलीट कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम एकदम लो रखेंगे, कई लोगों का बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा ही लाउड रहता है जो बहुत ही इरिटेटिंग लगता है, सो इसका ध्यान रखना। मैं वॉल्यूम सेट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। हेलो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में।
इसमें हम कुछ तो करेंगे खेलेंगे, देख रहे हो ना मेरे प्यारा सा शकल। यहाँ पे म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा लाउड है तो इधर से कट करके आगे वाले पार्ट का वॉल्यूम और लो कर देंगे, देन स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं, हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक वाला काम खत्म। नाउ यहाँ जो मैंने हेलो बोल के वेलकम किया है उसको एडिट करते हैं। सो अपने खुद के क्लिप पे मैं एक की फ्रेम लगाऊंगा एंड कुछ फ्रेम्स आगे जाके कैमरा फुटेज को जूम कर लेंगे। हेलो हेलो नाइस। और हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे मुझे एक क्लिप दो बार जूम इन या जूम आउट करना हुआ या की फ्रेम कुछ भी करने के लिए यूज कर रहे हो, तो जो पहला की फ्रेम होगा वो एग्जिस्टिंग साइज को मेंटेन रखने के लिए लगाने होते हैं। लाइक जैसे मैंने ऑलरेडी दो की फ्रेम्स लगा रखे हैं एंड अगर मुझे ये एक बार और जूम करना हुआ तो डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले मैं एग्जिस्टिंग साइज को सेव करने के लिए एक की फ्रेम ऐड करूंगा एंड देन सेकंड की फ्रेम ऐड करके जूम कर देंगे। नाउ बैक टू आवर क्लिप, अब आगे जितनी भी बार मैंने हेलो बोला है उसमें सेम करेंगे, बस नेक्स्ट क्लिप को पहले वाले क्लिप से थोड़ा ज्यादा जूम करना है, लास्ट वाले हेलो को थोड़ा रोटेट कर देंगे। हेलो 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 गाइस, स्वागत है। बहुत बढ़िया, अभी तुमको ये एडिटिंग सिंपल लग रही होगी बट रुको अभी थोड़ा, ठीक है ना, अभी थोड़ा और आगे जाके क्लिप का साइज डाउन करेंगे एंड रोटेशन वापिस से 0 डिग्री। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। अब जहाँ पे मैंने स्वागत किया है उधर एक पॉपअप सेलिब्रेशन वाला क्लिप ऐड करेंगे। ये जितने भी मटेरियल्स मैं यूज करूंगा या यूज कर रहा हूँ वो सारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। नाउ ये क्लिप इंपोर्ट कर लेता हूँ फटाक से, इसको फुल स्क्रीन में कर देंगे एंड ब्लेंड मोड पे जाके फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। स्वागत है आप। अब इधर एक साउंड इफेक्ट भी ऐड कर देंगे। स्वागत है आपका। हाँ अब सही लग रहा, वापस से स्टार्टिंग में आते हैं एंड इधर टेक्स्ट ऐड करेंगे जिससे ऑडियंस को जरा सा भी बोरिंग ना फील हो। ऐड टेक्स्ट पे जाके टाइप करेंगे देन स्टाइल चूज कर लेते हैं सिंपल सा, तुम कोई भी चूज कर सकते हो, मोस्टली गेमिंग वीडियोस में बोल्ड फॉन्ट्स ही यूज होते हैं तो ज्यादा स्टाइलिश वे में मत करना। एंड एक जूम इन वाला एनिमेशन एंड इसकी टाइमिंग एकदम लो कर देंगे क्योंकि हमें फास्ट जूम इन चाहिए एंड टेक्स्ट को बॉटम सेंटर पे प्लेस कर देंगे। फिर सेम टेक्स्ट कॉपी करके जितनी भी बार मैंने हेलो बोला है उधर चिपका देंगे बट सारे टेक्स्ट के पोजीशंस एंड साइजेस डिफरेंट रखूंगा लाइक दिस। नाउ अभी हमारी क्लिप कुछ ऐसी बन चुकी है। हेलो 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 गाइस, स्वागत। बट अभी हम इसमें साउंड इफेक्ट्स ऐड करके इसमें 4 चांद लगाएंगे। सो वेट, सिंपली इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये पंच साउंड इफेक्ट है तो जिधर भी मैंने हाथ से अपना माथा फोड़ा है ठीक उधर इस साउंड इफेक्ट को प्लेस कर देंगे। और हाँ सारे साउंड इफेक्ट्स का वॉल्यूम थोड़ा कम ही रखना नहीं तो कानों में चुभने लग जाता है एंड इरिटेशन होने लगती है जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद और मैं नहीं चाहता कि मेरे सब्सक्राइबर्स भी ये गलती करें, सो खास करके ध्यान रखना। एडिंग अनदर साउंड इफेक्ट। ओवरऑल अभी हमारा क्लिप कुछ ऐसा बन चुका। हेलो 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 गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, अब सिंपली हम अपने वेबकैम फुटेज में कट लगा के इसको कॉर्नर में प्लेस कर देते हैं। ये सेलिब्रेशन वाले क्लिप के फालतू पार्ट को अब कट करके हटा देते हैं। इसमें हम कुछ तो करेंगे खेलेंगे। नाउ मैंने जहाँ पे खेलेंगे बोला है उधर कट लगा के जूम इन करूंगा अपने क्लिप को कुछ इस तरह। खेलेंगे देख रहे हो ना वाह बहुत बढ़िया। अब आगे जिधर मैंने मेरा प्यारा सा शकल बोला है देख रहे हो ना मेरा प्यारा सा शकल, वो मैंने अपने माइनक्राफ्ट वाले कैरेक्टर को बोला है। सो गेम प्ले वाली क्लिप सिलेक्ट करके अपने कैरेक्टर पे जूम करते हैं कुछ इस तरह एंड नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाके एक लव वाला इफेक्ट ऐड करेंगे इसके फेस पे, सिंपली इफेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड फिर अपने हिसाब से एडजस्टमेंट पे क्लिक करके टाइमिंग एंड साइज वगैरह एडजस्ट कर लेंगे। फिर एक वाव का साउंड इफेक्ट ऐड करेंगे, वाव समथिंग लाइक दिस, जस्ट इंपोर्ट इट। ओके सिंपली इंपोर्ट करके अकॉर्डिंगली प्लेस कर देंगे सही जगह कुछ इस तरह। मेरा प्यारा सा शकल, ये अंदर भी झांक सकते हैं क्या? ये इस क्लिप पे एक साउंड इफेक्ट ऐड करेंगे थोड़ा फनी लगेगा। ये अंदर भी झांक सकते हैं क्या? ओ कुछ नहीं पहना। अब जिधर मैंने ओ बोला है उधर की फ्रेम्स ऐड करके थोड़ी कलाकारी करते हैं अपन, वही जूम इन एंड जूम आउट करेंगे इससे गेमिंग वीडियोस बोरिंग नहीं लगती। तुम खुद ही सोचो अगर मैं क्लिप यही कॉर्नर में पड़ा रहने दूं तो इंटरेस्टिंग लगेगी क्या है भाइयों बहनों? लगेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। सो जूम कर लेते हैं एंड सेकंड जूम में अपने फुटेज को थोड़ा टिल्ट कर देंगे एंड देन ऐड करेंगे एक साउंड इफेक्ट एज ऑलवेज। देन अपन थोड़ा और आगे जाके फेस कैम क्लिप पे कट लगा के इसको वापस से कॉर्नर में डाल देते हैं। कुछ नहीं पहना, रात भी पड़ी है, सबसे पहले हमें बेड ढूंढना होगा। नाउ मैंने बोला इसमें सबसे पहले हमें बेड ढूंढना होगा तो इधर एक मीम ऐड करेंगे, इंपोर्ट कर लेते हैं एंड देन फालतू पार्ट कट कर लेंगे। फिर अपने दोनों मेन लेयर्स के फ्रेम को फ्रीज कर लेंगे जैसे मैंने बताया था फ्रीज वाले ऑप्शन पे जाके एंड जहाँ पे मैंने बोला है सबसे पहले हमें घबराना नहीं, उसी के बीच में मीम सेट करेंगे कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है ना। मीम को सिंपली बस उठा के नहीं रखना है, इसमें अपन की फ्रेम्स ऐड करके इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो मीम को मैं अपने कॉर्नर पे सेट
कर देता हूँ एंड देन स्टार्टिंग पॉइंट पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे, देन कुछ फ्रेम्स आगे जाके मीम क्लिप को सेंटर में लाके सेट कर देंगे। नाउ अपना फेस कैम लेयर डिलीट कर देता हूँ एंड हमारा क्लिप कुछ ऐसा दिख रहा है। पहले हमें घबराना नहीं है। वेरी नाइस। देन गेम प्ले का जो फ्रीज्ड इमेज है उसका फालतू पार्ट कट करके आगे वाले लेयर्स को मर्ज कर देंगे। अब आगे जिधर मैंने बोला है वीडियो में बेड ढूंढना होगा इधर हम माइनक्राफ्ट बेड का PNG ऐड करेंगे जो कि मैंने गूगल से डाउनलोड कर रखा है। ऐसे कुछ भी बस सिंपली उठा के नहीं रख देना है। रुको अभी बताता हूँ, थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाओ बे। जब हमारे पास की फ्रेम्स एंड इतने सारे इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं, तो काहे का इसे सिंपल छोड़ने का है। सो इम्पोर्ट करके रिसाइज कर लेंगे एंड नीचे की ओर पूरा स्लाइड करके इसको की फ्रेम से एक एनिमेशन देंगे लाइक दिस। बेड ढूंढना होगा एंड अब इसमें अपन वूश साउंड इफेक्ट ऐड करेंगे एंड जिधर अपना बेड ऊपर की तरफ आ रहा उधर साउंड इफेक्ट सेट कर देंगे अच्छे से। फालतू पार्ट्स को कट कर देंगे। देन बेड में एक जूम आउट एनिमेशन ऐड करेंगे। तुम की फ्रेम से भी कर सकते हो बट हम अभी इफेक्ट चूज करते हैं, ठीक है। इसकी टाइमिंग एकदम लो रखेंगे एंड जिधर आउट एनिमेशन हो रहा उधर एक साउंड इफेक्ट ऐड करेंगे। बेड ढूंढना होगा। नाइस, वेरी वेरी नाइस। देन फेस कैम वाला लेयर कट करके जूम इन एंड जूम आउट करेंगे। ढूंढना क्या होगा, मुझे लकड़ी चाहिए। फिर जिधर मैं लड़की बोल रहा हूँ, नहीं लकड़ी बोल रहा हूँ, मेरा मतलब माइनक्राफ्ट में वुडन ब्लॉक से। तो इधर हम एक ब्लॉक की PNG ऐड करेंगे, इसमें अपन जूम इन का एनिमेशन डालेंगे एंड ऑब्वियसली एक पॉपअप साउंड इफेक्ट भी ऐड करेंगे। मुझे लकड़ी चाहिए। काफी सही लग रहा है। फालतू पार्ट डिलीट कर देंगे। लकड़ी चाहिए एंड फिर जिधर मैं लड़की चाहिए लकड़ी चाहिए चिल्ला रहा हूँ। सॉरी गाइस, वो मैं भावनाओं में बह जा रहा हूँ। बहुत ही सिंगलनेस की भावनाएं हैं गाइस, इसको इग्नोर कर देना। हाँ, तो जिधर मैं लकड़ी चाहिए चिल्ला रहा हूँ, इस सीन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम पहले तो अपने फेस कैम वीडियो का उतना पार्ट कट कर लेंगे, देन जूम करके सेंटर में कर लेंगे। फिर अपन फिल्टर पे जाएंगे, मूवीज एंड ये वाला फिल्टर अप्लाई कर देंगे, इंटेंसिटी फुल कर देंगे। ये रेडिश कलर का फिल्टर थोड़ा एग्रेशन एंड एंगर शो करता है, सो इसलिए लगा रहा हूँ। अब इसमें अपन एक शेक इफेक्ट डालेंगे, सिंपली इफेक्ट्स पे जाएंगे, वीडियो इफेक्ट्स, देन ये वाला शेक इफेक्ट अप्लाई कर देंगे। हमें ये शेक इफेक्ट दोनों क्लिप्स पे चाहिए तो ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे जाके ऑल वीडियोस को चूज कर लेंगे। लकड़ी चाहिए, ज्यादा ही तेज हिल रहा गाइस ये क्लिप। शेक इंटेंसिटी थोड़ा लो कर देंगे, जितने पे अप्लाई करना होगा ये इफेक्ट उतनी दूर रखेंगे, बाकी का पार्ट कट कर देंगे। लकड़ी चाहिए बहुत बढ़िया। रुको अभी, फाइनल रिजल्ट का वेट करो, वीडियो एकदम चुम्मेश्वरी बनेगी। अब आगे और उल चाहिए, ताला रात में ही रिस्पॉन्ड कर देते भाई साहब। इधर हमको जॉम्बीज दिख रहे हैं, ये पार्ट अपन एडिट करके इंटरेस्टिंग बनाएंगे। पहले जिस फ्रेम में जॉम्बीज दिख रहे हैं उसको फ्रीज कर लेते हैं एंड देन जॉम्बीज पे की फ्रेम्स लगा के जूम इन करेंगे एंड एक सरप्राइज वाला साउंड इफेक्ट ऐड करेंगे। जिधर जूम इन हो रहा सिंपली उस एरिया में इस साउंड इफेक्ट को अच्छे से प्लेस कर देंगे। अब और आगे बढ़ते हैं, ये जो सडनली ट्री के पीछे से स्केलेटन निकल रहा है, इस क्लिप को अपन थोड़ा फनी एंड इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। नाउ अगेन पॉज द वीडियो एंड तुम खुद से सोचो कि इसमें हम क्या एडिटिंग कर सकते हैं। मैंने सोच रखा है, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले एक शॉक्ड साउंड इफेक्ट ऐड करेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, नहीं तो पूरा वाइब खराब हो जाएगा। एंड इधर एक मीम ऐड कर सकते हैं, अरे भैया योका देख लियो। हाँ सही, यही वाला। मीम्स में काफी फालतू पार्ट्स भी होते हैं आगे पीछे जिसको रिमूव कर देना है, नहीं तो वो फालतू पार्ट्स भी जब होते हैं वीडियोस में तो पर्सनली मुझे बहुत ही इरिटेशन होती है, सो जरूरत से ज्यादा लंबी मीम नहीं डालनी। ओके, सो हमारा क्लिप एडिट होके रेडी हो चुका एंड हियर इज द फाइनल लुक। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इसमें हम कुछ तो करेंगे, खेलेंगे, देख रहे हो ना मेरा प्यारा सा शक्ल। ये अंदर भी झांक सकते हैं क्या? कुछ नहीं पहना। रात हुई पड़ी है, सबसे पहले हमें घबराना नहीं है। बेड ढूंढना होगा। ढूंढना क्या होगा, मुझे लकड़ी चाहिए और उल चाहिए, ताला रात में ही रिस्पॉन्ड कर देते भाई साहब। चौंबी Now here comes our final part which is editing with voiceover. ज्यादातर new gamers यही prefer करते हैं। और हाँ, अगर तुम skip करके direct इस वाले part पे आए हो तो बहुत कुछ miss कर रहे हो। मैं keyframe वगैरह detail में पीछे बता चुका हूँ, तो इसमें हर step को लेके उतने detail में नहीं जाएंगे, नहीं तो video कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाएगी। Okay, so इसमें तुम voiceover को लेके दो चीजें कर सकते हो, एक तो game खेलते time live voice record करना and second game खेलने के बाद या game record करने के बाद full story narrate करते हुए voiceover करना, दोनों ही अपनी जगह बेस्ट है। सो मैंने एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया है लाइव वॉइस ओवर करते हुए जिसको हम एडिट करने वाले हैं।
हेलो 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 गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कुछ तो करने वाले गाइस। सो चलो चलते हैं। ओके सो हमारे सामने ये घोड़ा है, इस पर हम चढ़ सकते हैं क्या? चढ़ जा, चढ़ जा, बिठा ले भाई, बिठा ले, बिठा ले। कोई नहीं गाइस, लगता है नाराज़ है हमको इसको चिकन, लेकिन घोड़ा चिकन कहाँ खाता है गाइस? ये फूल पत्ती ये घास खाएगा। इस वॉइस ओवर एडिटिंग में जो मेन रोल प्ले करता है वो है टेक्स्ट ओवर योर वॉइस। सो सपोज स्टार्टिंग में तुम कुछ इंट्रो दे रहे हो अपने से रिलेटेड या फिर गेम प्ले से कुछ भी बोल रहे हो, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके जरूर से एडिट करना। लाइक मैंने हेलो हेलो बोला है तो सिंपली अपने कैरेक्टर पे जूम करके हम हेलो टेक्स्ट ऐड करेंगे, जिससे लगेगा कि हमारा कैरेक्टर ही ऑडियंस से बात कर रहा है। मैं टेक्स्ट ऐड कर लेता हूं। ओके सो हमने टेक्स्ट ऐड कर लिया है, अभी इसमें साउंड इफेक्ट्स भी ऐड करेंगे, बट अभी आगे बढ़ते हैं। हेलो 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 गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? तो ये जो मैंने बोला है कि क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं अपन। पहले थोड़ा जूम इन करेंगे अपने कैरेक्टर पर एंड देन ऐड करेंगे क्रो साउंड इफेक्ट लाइक दिस। क्या करने वाले हैं? कुछ तो करने वाले। देन एक और वूस साउंड इफेक्ट जहाँ पे हमारा कैरेक्टर मूव कर रहा है, कुछ तो करने वाले गाइस। एंड देन आगे बढ़ते हैं, जो हमारा फालतू पार्ट होगा जो हमें नहीं चाहिए उसको कट करके डिलीट कर देंगे। वापस से स्टार्टिंग पे जाते हैं एंड ऐड करेंगे साउंड इफेक्ट्स क्योंकि सूना सूना लग रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कर लेता हूँ, जितने भी टेक्स्ट हैं उन पे सिंपली साउंड को कॉपी करते जाएंगे एंड टेक्स्ट की जगह सेट करते चले जाएंगे। एंड हम दूसरा साउंड इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं एंड देन माइक के बाद अगेन कैरेक्टर पे जूम इन। तो अभी हमारा क्लिप कुछ ऐसा दिख रहा है। हेलो 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 गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? कुछ तो करने वाले गाइस। सो हमारे सामने ये घोड़ा है, इस पर हम चढ़ सकते हैं क्या? सो इधर घोड़े के पास अपन जंप कट्स का यूज करेंगे, मतलब बीच बीच में स्मॉल कट्स लगाएंगे जिससे वीडियो बोरिंग नहीं लगेगी। कोई इसको चिकन, लेकिन घोड़ा चिकन कहाँ खाता है? इधर चिकन वाले पे हम डीजे स्टॉप साउंड इफेक्ट यूज करेंगे, चिकन लेकिन घोड़ा चिकन कहाँ खाता है? एंड यहाँ पे अपन एक मीम ऐड करेंगे, घोड़ा है इस पर हम चढ़ सकते हैं क्या? ओके सो हियर इज आवर फाइनल क्लिप। हेलो 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 गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? कुछ तो करने वाले गाइस। सो हमारे सामने ये घोड़ा है, इस पर हम चढ़ सकते हैं क्या? क्या कर रहे हैं? चढ़ जा, चढ़ जा, बिठा ले भाई, बिठा ले, बिठा ले। कोई नहीं गाइस, लगता है नाराज है हमको इसको चिकन, लेकिन घोड़ा चिकन कहाँ खाता है गाइस? ये फूल पत्ती ये घास खाएगा शायद, ले बड़ा। इसमें मैं अगर और एफर्ट डालूं, जो जो चीजें मैंने पीछे दो पार्ट्स में बताया है अगर वो सब भी अप्लाई करूं तो ये क्लिप और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सकती है, जो कि आई नो तुम सब समझ गए होगे ये गेमिंग वीडियोस एडिट करने का फॉर्मेट। सो यार नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना गेमिंग चैनल मेंशन कर दूंगा जिसको तुम सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं उस पे वीडियोस डालने वाला हूं। नूब हो तो क्या हुआ है? तो तुम वहां से भी मेरी एडिटिंग ऑब्जर्व कर सकते हो।